दिस इज मी एलिस स्विफ्ट, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर ब्लॉग। सो गाइज, जैसे वेडिंग का सीजन आ चुका है एंड काफ़ी सारे सबके घर में वेडिंग्स हो रही है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वेडिंग में क्या होता है कि आजकल घर जो है ना, सबके पास इतना कम स्पेस हो गया है कि हमें जब भी किसी की शादी करवानी होती है अपने घर में हो या रिलेटिव की, तो हमें सोचना पड़ता है कि बेस्ट बैंक्वेट कहाँ पे है। तो अपने शहर मुजफ्फरपुर में, मतलब आपको सिटी से बाहर नहीं जाना है, मेन सिटी के अंदर में ही एक बहुत अमेजिंग बैंक्वेट को मैं रिव्यू करने आ गई हूँ। बहुत अमेजिंग, मुझे इसके बारे में रिसेंटली पता चला और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बैंक्वेट्स हैं, मैरिज हॉल है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे पार्किंग का स्पेस नहीं होता है। बट ये जिस जगह पे मैं आई हूँ, इनका पार्किंग का स्पेस बहुत अच्छा खासा है। और प्लेस भी कहाँ पे मैं बताती हूँ, भगवानपुर में जो यादव नगर गेट है उससे आपको अंदर आना है और सीधा आना है, आपको कहीं इधर उधर टर्न नहीं करना है, सीधा आना है। फिर हनुमान जी का मंदिर है, उससे थोड़ा सा आगे बस आना है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा शारदा हेरिटेज, सामने से फ्रंट से ही दिख जाएगा। और आज यहाँ पे एक वेडिंग है या समथिंग कुछ है, इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, तो मैं अभी पूरे एरिया को कवर करूँगी। इनके पार्किंग स्पेस बहुत 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 ज़्यादा है, बाकी सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम मेन एंट्रेंस से अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री गेट के पास इतना अमेजिंग डेकोरेशन किया गया है। और ना, मतलब यहाँ की डेकोरेशन मुझे सच में बहुत अच्छी लगी ये वाला एंट्रेंस का। और इससे हम आगे बढ़ेंगे तो आप पूरा देख सकते हैं, ये गार्डन लाउन एरिया है जो कि बहुत 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 सुंदर सा है और यहाँ से पूरा शारदा हेरिटेज आपको दिखेगा। सो दिस इज़ द प्लेस। सो यहाँ के वीडियो को, यहाँ के व्यू को इन्जॉय कीजिए। पार्किंग एरिया में तो चलेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये जो लॉन एरिया में जो है, ये वाले जो टेबल एंड चेयर लगे हुए हैं ना, इतना अमेजिंग है, इतना क्लासी लुक दे रहा है। सो यहाँ इसको एंजॉय कीजिए। एंड मतलब सोचिए, मतलब इतना नॉर्मल चेयर टेबल हर जगह लगा रहता है, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा वाला डेकोरेशन मिले तो कितना मज़ा आएगा, मतलब कितना अमेजिंग ये व्यू है देखने में। एंड यहाँ पर आप बुफे का देख रहे हैं, काउंटर लग चुका है। सो चलिए ये पूरे व्यू को एंजॉय कीजिए। देखेंगे ना तो काफ़ी सारे आपको सेल्फी पॉइंट्स मिल जाएंगे, सेल्फी स्पॉट्स। एक वहाँ पे है बहुत अमेजिंग फ्लावर वाले, और ये वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, ये साइकिल वाले डिज़ाइन में, साइकिल रिक्शा समथिंग लाइक दैट। सो बहुत अमेजिंग डिज़ाइन है। एंड ये एंट्रेंस का है अंदर बैंक्वेट हॉल में जाने का, बट ये इस जगह के बाद आप इधर में एक देखेंगे, ये गेट है, आप चाहें तो इधर से भी, मैं जो एंटर की थी वो मेन गेट था, ये वाला एरिया जो आप अगर पार्किंग के लिए आते हैं तो इस वाले गेट से भी एंटर कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम आए हैं पार्किंग एरिया में। मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है शारदा हेरिटेज, और ये एरिया पूरा देख रहे हैं, ये पूरा पीछे से लेके ये पूरा ही एरिया जो है पार्किंग के लिए है। तो अगर आपके गेस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, सब कार से आ रहे हैं, तो पार्किंग की तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छा पार्किंग के लिए इनके पास स्पेस है। गाइज, हमने लॉन एरिया को देखा, पार्किंग देख लिया, अब हम चलते हैं बैंक्वेट हॉल की तरफ में। सो लॉन एंड बैंक्वेट हॉल पूरा को लेके ना 800 लोग तक इसमें आ सकते हैं आराम से। और अब मैं इसके व्यू को दिखाती हूँ, लुक एट दिस अमेजिंग, मतलब इतना प्यारा बनाया गया है। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात जो मैं वो दिखाऊँगी, वो एक गैलरी वाला भी है, तो अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, लाइक वर्णमाला जब होते रहता है, तो कुछ लोग वहाँ ऊपर में भी रह के, वहाँ पे भी खड़े होके वो लोग व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, वेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी आप यहाँ के व्यू को एंजॉय कीजिए। वैसे यहाँ पे ये स्टेज है, ये वाला सिटिंग का एरिया हो गया, यहाँ पे अभी ये जो मंडप बोलते हैं वो बना हुआ है। सो अभी
सेल्फी पॉइंट्स तो मैंने बाहर में भी दिखाए थे और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जस्ट यू नो जो स्टेज है उसके बगल में ये बहुत ब्यूटीफुल हार्ट शेप में जो है ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे कपल्स जिनकी वेडिंग है वो तो क्लिक करवा ही सकते हैं, उसके अलावा आप लोग भी एज अ गेस्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अमेजिंग सा है, बहुत प्यारा सा यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। बैंक्वेट हॉल से आए हैं रूम्स की तरफ में, तो यहाँ पे आपको टोटल 8 रूम्स मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे, टोटल 8 रूम्स हैं। एसी है एंड हर रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है, स्पेस अच्छा खासा है यहाँ पे, आपको एक देख रहे हैं यहाँ पे ये एक वार्डरोब भी मिल जाएगा, ये बेड भी मिल जा रहा है, साइड टेबल भी है एंड ड्रेसिंग टेबल भी है और स्पेस अच्छा खासा है, रूम बहुत क्लीन है और स्पेस अच्छा खासा है। सो टोटल आपको ऐसे 8 रूम्स इसमें मिल जाएंगे। गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और जैसे मतलब बताया मैंने कि ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे दोनों में रूम है, इधर में आप देखेंगे ये और ये साइड, दोनों ही साइड रूम तो है ही। उसके अलावा यहाँ आने का मेन रीज़न जो है वो ये कि यहाँ से आपको ये बैंक्वेट हॉल का पूरा व्यू दिखेगा और इतना अमेजिंग यहाँ से व्यू दिखता है। सो चलिए अभी आप व्यू को एंजॉय कीजिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का शारदा हेरिटेज बैंक्वेट का ब्लॉग। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा देख के, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस जगह को एक्सप्लोर करके, काफ़ी अमेजिंग प्लेस है एंड आई थिंक इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा बिकॉज काफ़ी सारे वेडिंग्स अभी भी है, इनफैक्ट अभी एक दो महीने के बाद फिर से होंगे वेडिंग सीजन और हमेशा होते ही रहते हैं। तो कुछ अच्छा जगह आप ढूंढ रहे हो, बहुत अमेजिंग सा प्लेस यू नो, जहाँ पे अच्छे खासे स्पेस हो, पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस हो, तो आप लोग यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बुकिंग जो है स्टार्टिंग आपको 2 लाख से है, वैसे आपके डिमांड्स जैसे होंगे उस हिसाब से यू नो आप प्लान कर सकते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ का मैप लोकेशन, यहाँ का एड्रेस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और मज़ा आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।